होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं आपको बताऊंगी, मेरा ये माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, ये हद से ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसको हम इजीली घर में 5-10 मिनट के अंदर अंदर कैसे साफ़ करें, इसको कैसे क्लीन करें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि आपको पता है, हमें ब्यूटी के साथ साथ, कुकिंग के साथ साथ अपने घर की चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखें, ठीक है। तो मैं आपको अपना ओवन दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे तो आपको ये बाहर से बिल्कुल क्लीन लग रहा है, क्योंकि बाहर से मैं अक्सर इसको क्लीन करती रहती हूँ। असल जो ये गंदा होता है, आपको पता है, ये अंदर से गंदा होता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, ठीक है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा गंदा है अंदर से, ये देखें। क्योंकि जब हम ऑयल वगैरह सालन वगैरह गरम करते हैं, कोई भी चीज़ें गरम करते हैं, तो ये किस तरीके से ये गंदा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है, ये देखिए आप कितना ये गंदा है अंदर से। और आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर ये किस तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बहुत जल्दी से ये साफ़ हो जाएगा। ये ऊपर से भी बहुत गंदा है, ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत छींटे हैं, सारा कुछ ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अंदर से, ठीक है, देख सकते हैं आप कितना गंदा हो गया। मैं तो खुद देख के हैरान हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इसको साफ़ करना चाह रही थी, फिर मैंने कहा कि मैं आपको शो करवा के आपके साथ इसको शेयर करूँगी कि मैं 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसको किस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये साइडें भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्लीन करना था, बट मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ये डिले होता गया और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। तो इस वजह से मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहती थी कि हमें 5-10 मिनट के अंदर अंदर किस तरीके से हम इसको झटपट साफ़ कर लेंगे। तो चलें मैं आपको बताती हूँ, इसको हम कर देते हैं क्लोज, और हम अपना इसको साफ़ करने के लिए एक हम मेथड यूज़ करेंगे। वो 5 मिनट में आपने इसको बिल्कुल क्लीन करना है ना, तो इसलिए हम ये जो चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, और वो हमने कैसे मिक्स करनी है, कैसे करना है, मैं आपको सबको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। आप कोई भी जिससे आप अपने बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं वो ले लेना आपने। मैं इधर मैक्स ले रही हूँ, ठीक है, और विनेगर चाहिए होगा हमें, और ये हमें चाहिए सोडा, ठीक है। ये सोडा आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, मीठा सोडा भी ले सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास यही है, अभी मैं इसी को डालूंगी, ठीक है। 2 टेबल स्पून हमने ये सोडा ले लेना है, या 1 टेबल स्पून आप ले लें, ठीक है, 1 और 2। ये मैंने सोडा डाल लिया इसमें, ठीक है, 2 टेबल स्पून मुझे सोडा चाहिए था, वो मैंने डाल लिया। अब हमें चाहिए वाइट विनेगर, सिरका, ये 2 से 3 चम्मच आप डालें। आपको पता है जब हम सोडे में विनेगर डालते हैं तो बबल्स से बनते हैं, तो इट्स मीन कि वो वर्क करेगा, ठीक है। और हमें 2 टेबल स्पून चाहिए कोई भी डिश वॉशर जिससे आप अपने बर्तनों को क्लीन करते हैं, ठीक है, ये 2 टेबल स्पून हो गया। 1 टेबल स्पून भी काफ़ी है, पर मेरा ओवन बहुत गंदा हो रहा है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है,
ठीक है। ये देखिए एक ऐसा लिक्विड सा पेस्ट बन के रेडी हो गया। ये देखें आप, कैमरा मेरा शो कर रहा है कि नहीं, वेट शो करवाती हूँ। ये हमारा एक पेस्ट बन के रेडी हो गया, ये देखें ठीक है। ये आपको शो हो रहा है, ये इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ओके जी, ये हमारा हो गया। अब हमने जाना है अपने माइक्रोवेव की तरफ, और क्या करना है आपने मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक आप कोई भी स्पंज आपके पास होगा जिसे आप अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, ये एक ले लेना है ठीक है। इसको आपने इसमें रख देना है ठीक है। मैंने थोड़ा बॉल इसीलिए बड़ा लिया है ताकि इसमें हमारा स्पंज इजीली आ जाए। आपके पास अगर छोटा स्पंज है तो आपका तो इजीली आ जाएगा। अब ओवन को मैं थोड़ा आगे की तरफ कर लेती हूँ। ओके जी, अब इसको हम ओपन कर लेंगे, और इसमें ये पेस्ट जो मैंने बनाया है इसको लगा देंगे। पहले हम ओवन की प्लेट को बाहर निकाल के रख देंगे ठीक है। इसको भी आप बाहर निकाल के रख दें, इससे आप अपना माइक्रोवेव भी साफ कर सकते हैं, ओवन भी इजीली साफ कर सकते हैं। ये मेथड बहुत इजीली आपको क्लीन कर देगा ठीक है। इसको आपने ऐसे छोड़ देना, ऐसे लगा दें आज मैं रखती हूँ अंदर अंदर आपका ओवन क्लीन। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से मैं इसे साफ कर रही हूँ ये इजीली साफ होता जा रहा है। कोई हमारा जोर नहीं लग रहा, कोई मशक्कत नहीं हो रही, इजीली ये क्लीन हो रहा है। जो हमने सोडा डाला है उससे हमारे जो चिकनाई वाले दाग हैं वो जल्दी से चले जाएंगे ठीक है। ये आपने इसको सारी तरफ ऐसे लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। इस साइडें भी क्लीन करनी है। अब इसको आपने 5 मिनट लगा के छोड़ देना है ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं जब तक मैंने इसकी प्लेट धो लिया। अब आपने स्पंज की ये वाली साइड लेनी है नरम वाली, और इससे आपने सारा ओवन जो है वो क्लीन कर लेना है ठीक है। ऐसे आपने सारे ओवन को क्लीन कर लेंगे। सो सिंपल सो इजी ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर की सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। और हमारे सिरका और जो हमने डाला है, सिरका और जो हमने सोडा डाला है, उससे ये होगा कि आपके जो है जितने भी, क्योंकि आपको पता है हम इसमें खाना गर्म करते हैं तो जो जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाएंगे सिरके से और सोडा से
ठीक है। अगर आप खाली डिश वॉश का यूज़ करके आप इसको क्लीन कर भी लेंगे तो आपके जितने भी हमारा खाना गर्म करने से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ईजीली उनकी डेथ नहीं होती। तो इससे सिरका और जो सोडा मैंने डाला है उससे हमारे जितने भी ओवन में बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको बस ओनली इस स्पंज से सारा आपने इसको क्लीन करना है और फिर मैं आपको शो करवाती हूँ, ठीक है। 2 मिनट में आपका क्लीन हो जाएगा, फिर मैं आपको सारा ओवन दिखाती हूँ पहले कितना गंदा था और अब कितना साफ़ है। हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। क्लोज करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। और पहले आपने इसकी हालत देखी और अभी देख लें, मैंने इससे इसको ड्राई कर लिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल यूज़ फॉर्म में आ चुका है। अब आप मैंने इसकी प्लेट को भी अलग से धो दिया था और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, शो यू, ठीक है। 5-10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपका ओवन क्लीन हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल क्लीन हो गया, देख सकते हैं आप। ये अंदर करके आपको पता है इसमें तो लाइट का प्रोसेस नहीं होता, तो ये आपको इतना क्लियर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है, ठीक है, आप देख सक रहे हैं। देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया, मैंने बाहर से भी सारा इसको क्लीन कर लिया, ठीक है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।